प्रातः क्लास चल रहा था, तीस जून 1964। चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये नॉलेज तुम बच्चों को जो मिल रही है वो नॉलेज है इस बेचारे लक्ष्मी नारायण में। अब किसको कहते हैं बेचारे लक्ष्मी नारायण? ये अपन को कह देते हैं। कौन? जब हम बेचारे लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये नॉलेज होती नहीं है। कहाँ? सतयुग में। हम किसकी भी सेवा करके वहां नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बना नहीं सकते हैं, तो हम किस काम के? किसकी बात हुई? सतयुग के लक्ष्मी नारायण की बात हुई। उनको बेचारे बोला क्योंकि वो किसी को नॉलेज भी नहीं दे सकते। यहां तुम कितने काम के हो, कितने स्वीट बाबा के बच्चे हो, और यहां तुम किस लिए आए हो? सो सीट से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, और सो सीट सिर्फ श्री लक्ष्मी नारायण तो नहीं है ना, उनकी डायनेस्टी तथा राजाई भी तो सीट है। क्योंकि जैसे श्री लक्ष्मी नारायण सीट है वैसे उनकी प्रजा भी सीट है। किस युग की बात है? है? अरे ये किस युग की बात बताई? संगम युगी विश्वराजन महाराजन की बात बताई। यथा राजा तथा प्रजा, सभी ज्ञानी तू आत्मा, सभी स्वीट हैं। तो तुम अभी जानते हो कि बरोबर हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीट बनते हैं, क्योंकि उनको स्वीटेस्ट कहते हैं। किनको? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहते हैं श्री श्री। किनको कहते हैं? है? संक्रमण जी लक्ष्मी नारायण को डबल श्री कहेंगे। है? शिव बाबा की बात है जो स्वीटेस्ट फादर है, फिर उनसे हम श्रेष्ठ बनते। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं सुनेंगे श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण, नहीं। लक्ष्मी नारायण के लिए एक ही दफा श्री कहते हैं। क्यों? हैं? उनके लिए एक ही दफा श्री क्यों कहते हैं? हैं?
क्योंकि सारे कल्प में वो एक ही बार ऐसे बनते हैं और उनको सीसी कहा जाता है. किसको? उनको. किनको? आने वाले पार्ट की ओर इशारा किया. बच्चों को बहुत समझने की बात है क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल में बनना है. जितने तुम अशरीरी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, इतना कहेंगे हम स्वीटेस्ट बनने के लिए अपने स्वीटेस्ट फादर को याद करते हैं. तो स्वीटेस्ट बनने का बस यही एक रास्ता है कि देही अभिमानी बन करके फादर को याद करना और वर्षे को याद करना. 30 जून 1964 की वाणी का 5वां पेज. ये तो बच्चों को बाकी बैठ करके बहुत समझाते हैं. बाबा कहते हैं ना, बहुत समझाने से क्या है, मनमना भव मध्यादि भव. समझाते समझाते पिछाड़ी में कह देते हैं कितना तुमको समझावे और कितना समझाते रहे. तुम एक बात तो मत भूलो जो मुख्य है कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे. पास आ जाएंगे का क्या मतलब हुआ? अरे मेरे पास आ जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? किसने बोला? अरे शिव बाबा ने बोला. और इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक ही शिव बाबा है जो सदा कायम है. संगम युग में हम पहचानते हैं और बाकी 5000 वर्ष में हम पहचानते नहीं हैं. है तो जरूर. तो बोला मेरे पास आ जाएंगे क्या मतलब हुआ? है? अरे शिव बाबा के पास कौन आ जाएंगे? अरे अरे अष्टदेव पास रहेंगे या नहीं रहेंगे या दूर रहेंगे? पास ही रहेंगे. उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे दूर हो गए. और मेरे जैसा स्वीट बन जाएंगे क्योंकि स्वीट का जैसे कि एक पहाड़ है स्वीट की मिसाल किससे दी? एक पहाड़ से. कौन सा पहाड़? अरे माउंट आबू. माउंट आबू बहुत ऊंचा पहाड़ है. अरे अष्टदेव है तो अष्टदेवों को अपनी अपनी दिशाओं में दिखाया जाता है.
उन अष्टदेवों में भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो कौन सी दिशा में दिखाया जाता है? ईशान कोण में दिखाया जाता है। और ईशान कोण किधर है? नेपाल का उत्तर पूर्वी कोना, जहां ऊंचे से ऊंचा कौन सा पहाड़ है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। तो बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो सीट बनाते हैं, उस सीट बनाने वाले को कितना याद करना चाहिए। गाया जाता है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कोई सिमरनी नहीं है, सिमरना है, स्मरण करना है। सिमरो सिमरो जो होते हैं ना, वो सिमरनी के ऊपर माला फिराते हैं। बच्चे जानते हैं कि माला से हम कुछ नहीं जानते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको ये मालूम हो कि हम ये जो सिमरनी फेरते हैं, ये सिमरनी क्यों बनी है और ये किसकी यादगार है। बस ऐसे सभी राम राम सिमरते रहते हैं। अभी हम समझते हैं कि सचमुच वो जो राम जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो जो राम, दूर करके इशारा क्यों किया? क्योंकि वो राम संसार के सामने कब से प्रत्यक्ष होता है? हैं? हाँ, जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उनको राम बाप भी कहा जाता है। इसलिए हम उनको स्मरण करते हैं। जब माला से मिलते हैं तो हर मणके पर क्या बोलते जाते हैं? राम 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 राम। परंतु वो माला तो अभी सिमरन नहीं करते हैं। ये माला फेरना तो पुजारी का चिन्ह है। अभी हम नहीं सिमरन करते हैं। हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं। अरे इस याद में ही कले कले सात तन के मिट जाते हैं, हम निरोगी बन जाते हैं, एवर हेल्दी बन जाते हैं। मीठा बाप तो बार बार कहते हैं कि बच्चे अपन को अशरीरी समझो और मेरे को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं
इस सृष्टि में तुम्हारे जैसा मीठा और कोई भी मनुष्य नहीं बन सकता, क्योंकि तुमको जा करके फिर मनुष्य बनना है। तो सतयुग में मनुष्य है ना, ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है ना, शिकल तो मनुष्य की है। देखो शिकल सूरत मनुष्य की है और सीरत कितनी अच्छी है। और यहाँ मनुष्य की शिकल तो मनुष्य की है और उन मनुष्यों की सीरत कितनी खराब है, जो खुद जाकर के कहते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। जाओ मंदिरों में जाकर के देखो, दस भुजाओं वाला, बीस भुजाओं वाला तो कोई मनुष्य ही नहीं होता है। मनुष्य तो मनुष्य है ना, कोई सोने के नाक वाला गणेश होता है न, कोई पवन से और न कोई छींकिया तो नासिक से निकलाया। अभी कोई के पास जाकर के समझाओ तो कहेंगे ये तो नॉनसेंस है, ये क्या कहते हैं। आखी ऐसे करने से नासिका के थ्रू देवता निकल आया। ये बातें जब अभी सुनते हैं तो बोलते हैं क्या है इन शास्त्रों में। तभी बाबा समझाते हैं ये जो भी है ये शास्त्र पत्ते हैं, ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में भक्ति मार्ग की कोई सामग्री नहीं होती है, वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति आधा कल्प चलती है। ज्ञान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आधा कल्प चलता है, नहीं, ज्ञान का तो 21 जन्म का वर्षा मिलना है। जैसे उनसे भक्ति का वर्षा मिलता है, किनसे है, उनसे भक्ति का वर्षा मिलता है। ये उनसे कहकर किसकी तरफ इशारा किया है, दस शीस और बीस भुजाओं वाले रावण की तरफ इशारा किया। भक्ति अनेक सिरों वाले, अनेक भुजाओं वाले रावण से आती है, तो उनसे भक्ति का वर्षा मिलता है। और वो भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो हो जाती। अब ये भी तो बाप से वर्षा मिलता है ना, कि सतो प्रधान सतयुग में, सतो प्रधान होते हैं ना, फिर सतो रजो तमो, फिर नीचे उतरते आते हैं। तो जैसे ज्ञान का वर्षा सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है, तैसे फिर भक्ति का वर्षा भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है। ये समझने की बात है। उसमें भी पहले नंबर में बच्चों को क्या समझना है, समझना है हम आत्मा हैं, हम बिलीव्ड मोस्ट बाप के बच्चे हैं।
और अभी आकर के सन्मुख बैठे हैं। अभी माने कभी बाप भी आकर के जिस्म में बैठा है, और आप भी जिस्म में हो। 30 से 64 की वाणी का छठा पेज। जिस्म न होता तो फिर ये मुरली कैसे सुन सकते। जिस्म बिगर वहां मूल वतन में, निराकारी दुनिया में कोई आवाज होता है क्या? वो तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। पीछे है मूवी, कौन सी? अरे मूवी वर्ल्ड कौन सी है? है सूक्ष्म वतन। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, शंकर, तुम जब वहां जाते हो तब तुम्हारा आवाज ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तुम्हारा चक्र चलता है, जिसको मूवी कहा जाता है। और ये दुनिया है टाके, तो साइलेंस, मूवी और टाकी, ये हुआ त्रिलोक। वो लोक मूल वतन, वो सूक्ष्म वतन, ये स्थूल वतन। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो जानते हो कि मूल वतन क्या होता है, सूक्ष्म वतन क्या होता है। क्योंकि बरोबर तुमको बुद्धि में आता है कि मूल वतन जहां से हम आते हैं वो साइलेंस है, वहां हम कुछ भी बात नहीं करते हैं। तुम बच्चों को अनुभव है ना कि बरोबर हम आत्माएं हैं और हम मूल वतन के रहवासी हैं, निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। हम बरोबर ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए हमारा नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। क्योंकि चित्र अंडे मिसल है ना, पर हम अंडे मिसल थोड़े ही हैं। परंतु अगर हम ऐसे कहते हैं बूरी है, इतना स्टार है, तो भला इतने स्टार की पूजा कैसे होगी? कोई पूजा होगी? जल चढ़ा सकेंगे क्या? फूल चढ़ेगा? अगर दूध चढ़ावे तो ठहर सकेगा? कुछ भी नहीं ठहर सकेगा। तो देखो बाबा कहते हैं नाम शिव ठीक है, परम पिता परमात्मा भी ठीक है, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा छोटी और बाप इतना बड़ा? कितना बड़ा लिंग बनाई देते हैं, क्योंकि हम भी तो वहां बाबा के साथ रहते हैं और बाबा को भी आत्मा कहा जाता है। हाँ, परम माना परम धाम में रहने वाली आत्मा। इसलिए उनको कहा जाता है परमात्मा और मोस्ट बिलीवड।
तुम अभी जानते हो कि हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है. मशहूर तो है ना श्रीमत भगवान वाच. भगवान क्या बनेंगे? भगवान क्या बैरिस्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, सर्जन बनाएंगे? अरे बाढ़ा क्या बनाएगा, बढ़ई, कारपेंटर? चमार क्या बनाएंगे? अभी है फिर भगवान वाच. भगवान आकर के वाच यानी समझाते हैं. बरोबर जो भी निराकारी आत्माएं हैं वो आकर के इसमें समझाया होगा. क्राइस्ट की आत्मा वो इनकॉर्पोरियल दुनिया से आई होगी तो कोई शरीर में बैठ करके बात किया होगा ना, ऑर्गन्स मिल गए ना, तो ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो. वाह बिलवड मोस्ट, बहुत मीठा मीठा बाबा आ करके हमको बिल्कुल ही स्वीट, मोस्ट स्वीट बनाते हैं. आत्मा स्वीट बन गई तो उनको शरीर भी तो स्वीट मिलेगा ना. जैसे जैसे आत्मा प्यूरिफाई होती जाती है, धारणा होती जाती है, इतना पद पाएंगे क्योंकि साथ में पढ़ाई भी तो है ना. और पढ़ाई भी मोस्ट सिंपल है, इसको कहा जाता है मोस्ट सहज है, माना सिंपल. बात क्या कहते हैं, ये तो नटसेल में तुम समझते हो बीज और झाड़. बरोबर बीज से इतना बड़ा झाड़ होता है, फिर बीज बाबा ऊपर में है. जिसको वृक्षपति कहा जाता है. झाड़ के चित्र में क्या दिखाया गया, ऊपर में कौन बैठा है? बीज से इतना बड़ा झाड़ बना, फिर लास्ट में वो ही बीज बाबा ऊपर में है. जिसको वृक्षपति कहा जाता है. तो कौन हुआ वृक्षपति? है शास्त्रों में कहते हैं देवताओं का गुरु वृक्षपति कहो, बृहस्पति कहो, बात एक ही है, नाम पड़ गया बृहस्पति है. नाम किस आधार पर पढ़ते हैं, क्या काम किया है? अरे जैसा नाम वैसा काम, तो क्या काम किया बृहस्पति ने हैं? अरे दुनिया के जितने भी पति हैं
उन पतियों का भी पति है, बड़े से बड़ा पति है, बड़े से बड़ा गृहस्थी है, बेहद का गृहस्थी। अच्छा, वो है बरोबर पहले फाउंडेशन, फिर उनमें ट्यूब्स निकलते हैं, तो इतना बड़ा झाड़ हो जाता है। ये इतना बड़ा झाड़ बुद्धि में है ना, ये बातें बुद्धि में रखो। दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। कितना ही बड़ा विद्वान पंडित हो, ये बिल्कुल कोई काम की नहीं है। और फिर भी तो बाप कहते हैं, ये तो कोई कम पंडित नहीं था ना, ये भी तो बहुत कथाएं करते बोलते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं एकदम। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि बरोबर मोस्ट बिलीव्ड बाबा और फिर बाप, कौन बाबा कौन और मोस्ट बिलीव्ड बाप कौन है? शिव बाप और साकारी या निराकारी का मेल शिव बाबा। वो कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, अभी शरीर में है और सभी से बोलते हैं, तीस छह चौसठ की वाणी का सातवां वेद, ये भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो। ये कौन है? ब्रह्मा सुनते हैं अभी? अरे ब्रह्मा अभी सुनते हैं, है शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जरूर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये भी सुनते हैं और आप भी सुनते हो। अब ये जो तुम्हारे गुरु गुसाई हैं, ये हैं सब भक्ति मार्ग के गुरु, इनमें ज्ञान कहां से आवे? ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेर कहा ही जाता है जबकि गहरी रात होती है। तो इसको कहा जाता है कलयुग का अंत। तो मनुष्य समझते हैं इनसे भी गहरी रात होगी 40 वर्ष के बाद। चालीस क्या, 40,000 वर्ष के बाद। तो अंधेरे में है ना ये 40, फिर 40,000। दो बातें क्यों कह दी है? अरे कौन से सन की वाणी है? 64 की। 64 में 40 जोड़े तो क्या आया है? 2000।
ग्यारह चौदह ग्यारह आया चौसठ में चालीस जोड़ दिए तो कौन सा सन आया 2004 आया है क्योंकि 2000 तक 36 हो गए और चार और जोड़ दिया तो 2004 आया ना अच्छा 2004 के बाद शूटिंग पीरियड में क्या होता है है तुम बच्चों के लिए शूटिंग पीरियड में 2004 के बाद तमो प्रधानता गहराती है अंधेर होता है या सुजरा होता है और ही अंधेरा होता जाता है इसलिए बोला 40 क्या 40,000 वर्ष के बाद वो भक्ति मार्ग वालों के हिसाब से बोला तो बेचारे अंधेरे में है ना बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है एक तो घोर अंधेरा है दूसरा और समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद घोर अंधेरा होगा परंतु ये जानते नहीं है घोर अंधेरा ये नाम कह देते हैं बाप कहते हैं ये सभी विद्वान आचार्य पंडित कुछ भी नहीं समझते और तुम सब कुछ जान जाते हो पहले तुम भी कुछ नहीं समझते थे ये भी कुछ नहीं समझता था अभी देखो सारी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है जो सन्यासी वगैरह कहते थे बेअंत है हे ईश्वर तुम्हारी गत मत न्यारी है तुम थोड़े ही कहेंगे गत मत न्यारी है तुम तो बैठ करके समझाते हो कि हम ईश्वर की गति जानते हैं कैसे सदगति करते हैं और कैसे श्रीमत से करते हैं वो हम जानते हैं तो बच्चों को नशा रहना चाहिए ये कितना बड़ा भारी नशा है इसको ही कहा जाता है नारायणी नशा नरसी नारायण बनना नारी से लक्ष्मी बनना क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना 10 तो नहीं होती है दुनिया में एम ऑब्जेक्ट होती है बैरिस्टर बनेंगे मेल हो या फीमेल परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो बनते हैं ना तो बाप फिर बच्चों को कहते हैं ये गायन है बच्चे फॉलो फादर एंड मदर अब जानते हो कि हमारे मदर एंड फादर जो न थे वो बहुत पुरुषार्थ करके बरोबर नंबर वन एंड नंबर टू प्लस में जाते हैं इसको प्लस कहेंगे किसको है वास्तव में इस दुनिया के मदर और फादर कौन हुए नंबर प्लस में कौन जाते हैं
जब रिजल्ट निकलता है नंबर काउंट किए जाते हैं तो कोई 99 100 में से प्राप्त करते हैं तो कहते हैं नंबर वन और फिर आगे जाकर के काउंट होता है तो कोई दूसरा निकल पड़ता है तो क्या कहेंगे उसे प्लस में आ जाता है ऐसे ही 76 से पहले हम किसको समझते थे ब्रह्मा बाबा को समझते थे ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे ब्रह्मा सरस्वती 76 के बाद प्लस नंबर में संगमयुगी लक्ष्मी नारायण निकल पड़ते हैं क्योंकि सतयुग के लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं यादगार हैं या संगम युग के यादगार बनते हैं संगम के बनते हैं तो इसको प्लस कहेंगे हम भी ऐसे फॉलो करें जैसे मम्मा बाबा बैठ करके समझाते हैं वैसे हम भी बहुत बच्चों को समझाते रहे हम भी ऐसा ही स्वीट बने जैसे ये स्वीट है और एक ये थोड़े ही है इनकी डायनेस्टी ही स्वीट है क्योंकि इनको भी तो जीतना है क्या कहा किनको जीतना है हैं? जो डायनेस्टी है 4.5 लाख प्रजा है वो जीत पाएंगे या हार पाएंगे हार खाएंगे क्या नहीं यथा राजा तथा प्रजा ये सिर्फ संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के लिए है और उनकी सारी डायनेस्टी के लिए बच्चे बाप के ऊपर जीत पहनते हैं तो जीत पहनने से वो जो बच्चे जीत पहनेंगे वो बड़े हो जाएंगे वो फिर सेकंड नंबर में ग्रेड में आ जाएंगे और वो तो नीचे उतरते जाएंगे तो ऊपर जाते रहेंगे नीचे उतरते रहेंगे तभी बाप कहते हैं कि बच्चे तुमको मात पिता के ऊपर भी जीत पहननी है जो तुम फिर वर्षे में आ सको परंतु कैसे आएंगे वर्षों में मोस्ट बिलीवेड बनो बहुत बहुत प्यारे बस तुम्हारे मुख से रतन निकले क्योंकि तुम रूप बसंत हो रूप मना बसंत मना बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं खुशबुएं फैलती हैं फूलों की तो विजयमाला की हेड है बसंत और बाप है रूप ये आख्यानी तो बहुत मनुष्यों ने बनाई है रूप बसंत की कहानी वो फिर दो भाई कह दिए उनमें से रतन निकलते थे उन्होंने लिखा है
कि एक सोता था तो एक जागता था। बताओ असली रूप बसंत कौन हुए है? बाप दादा। ब्रह्मा जब जागते थे तो राम वाली आत्मा सोती थी, और राम वाली आत्मा जागती है तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? गीता का भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं हो सकता। तो सोते हैं या जागते हैं? सोते। एक पुरानी पुरानी आखानी है, रतन रतन ले जाते थे तो कोई उनका मूल्य कथन नहीं कर सकते थे। बोलता था जितना हमारे पास है जो चाहिए सो ले जाओ, इतना इतना मूल्य है, तो कोई दूसरी चीज का तो नहीं होगा ना है? दूसरी चीज माने? अरे इतना मूल्य कोई दूसरी चीज का होगा जितना जितना इन ज्ञान रत्नों का है? ब्रह्मा से भी क्या मिला? ज्ञान रत्न ही तो मिले। तो असली रूप बसंत ये हो गए। ये तो इस ज्ञान का रत्न का मूल्य है, कोई जवाहर का नहीं। जवाहर का मूल्य तो बाबा जानते हैं, ये खुद ही जवाहरी था, क्योंकि वणज में भी वणज सबसे ऊंचा जवाहरात, ये ऊंचा वाणिज्य गिना जाता है। क्या है सबसे बड़ा व्यापार किसका गिना जाता है? जौहरी का, रत्नों का व्यापार। तो देखो वो जवाहरात हुए, इसको भी रत्न कहा जाता है। तो ये फिर एक एक रत्न से तुम बच्चों को जो जो धारणा होती है, तुम कहां पदमपति बनते हो? पदम के भी पदम अनगिनत, भला जिनके पास इतना धन है वो हीरे की ईंटें लेकर के और फिर उनमें ये पत्थर लगाते हैं, ये करते हैं। तीस से 64 की वाणी का 8वां पेज। उनका सिर्फ घर देखो, देखो कितने ये ज्ञान के रतन। तुम जानते भी हो बरोबर, जितनी धारणा करेंगे इतना हम बड़े बड़े ऊंचे महल भी और महलों में सुखी भी रहेंगे। ये महल कहाँ बनाएंगे है? जहां रतन जड़े हुए हो। अरे संगम में बनाएंगे या सतयुग में बनाएंगे? संगम में रतन जड़े महल बनाएंगे, ये कैसे है? ज्ञान रतन, हाँ वो तो है ज्ञान रतन, लेकिन महल है? ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संगठन रूपी महल है जिनमें ये रतन जड़े हुए होंगे, उन महलों में तुम बहुत सुखी भी रहेंगे।
सदैव एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी। हमको जैसे कि बाप वर देते हैं और वर तो मिलेंगे अच्छे अच्छे मीठे मीठे, किसको मिलेंगे वर मिलेंगे अच्छे अच्छे मीठे मीठे? सजनी को जो मीठी मीठी या मीठा मीठा बच्चा बनेंगे, बाप उनके ऊपर खुश होंगे। अभी तुम जानते हो कि बरोबर बाप किन किन पुरुषार्थियों के ऊपर खुश होते हैं, क्योंकि ये स्कूल चल रहा है ना, स्कूल तो अभी बहुत चलेंगे, तो भी स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, क्या बाप नहीं समझाते हैं? वो तो होता है हद का टीचर और ये तो है बेहद का टीचर, और इनकी बुद्धि तो बड़ी लंबी चौड़ी। वो तो इतने बच्चे हैं तो भी जब यहाँ बैठते हैं मुरली चलाते हैं, जब तुम बच्चे नहीं होते बाकी थोड़े जा करके यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये बेचारे क्या करके करेंगे? क्या कहा हैं? थोड़े जा करके यहाँ रहते हैं क्योंकि ये बेचारे क्या करेंगे? ये बेचारे कौन हैं? हैं? अरे बेसिक वालों की तरफ इशारा किया, तुम थोड़े बच्चे बचेंगे और ये बेचारे जाकर क्या करेंगे? ये माने कौन हैं? अरे बेसिक वाले, इनमें ज्ञान तो है नहीं, फिर कहाँ जावे सर्विस के लिए? तो फिर स्थूल सर्विस के लिए यहाँ रह जाते हैं। क्या कहा है? ये प्रदर्शनी, ये कॉन्फ्रेंस, ये स्थूल प्रदर्शनी क्यों बताई? अरे सूक्ष्म प्रदर्शनी ज्ञान रत्नों की है या जड़ चित्रों की है? हैं? हाँ, तो फिर स्थूल सर्विस के लिए यहाँ रह जाते हैं। यहाँ माने कहाँ? अरे ये मुरली कहाँ चल रही थी, तो कहाँ रह जाते हैं? माउंट आबू में रह जाते हैं। बाबा ज्ञानी तू आत्मा को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देते। क्या कहा नहीं रहने देते? माउंट आबू में कहते हैं जाओ जाओ, यहाँ तो कोई सर्विस नहीं है, जाओ तुम भी जाओ, तुम ज्ञानी तू आत्मा, तुमको थोड़े ही बैठ करके किचन में झाड़ू पर या फलाने काम पर लगाऊंगा। जाओ जाओ जा करके मनुष्यों को जो बिल्कुल ही कड़वे थे कड़वे हो गए हैं, एकदम जैसे महाप्लेगी जीवड़े बन गए हैं, उन्हें मीठे थे मीठा और निरोगी बनाओ। किनको? इसी तरफ इशारा किया, बिल्कुल ही कड़वे बन गए।
ब्रह्मा कुमारी को जाके मीठा बनो। ब्रह्मा कुमारी है अरे वो तो माउंट आबू में बैठे हुए हैं, तुमको कहा जाओ, बाहर जाने के लिए बोला या माउंट आबू वालों के लिए बोला? दूसरी बड़ी नाम देते हैं बीमारियों को, बड़ी कड़ी बीमारी होती है, तो ये बहुत रोगी बन गए हैं, बिल्कुल ही रोगी। और इन रोगियों को कोई पता नहीं पड़ता है, कौन से रोगियों की बात बताई? अरे कहते हैं कि बरोबर हमारी आयु एवरेज अभी गवर्नमेंट की 30-35 है, तो रोगी हुए ना। भोगियों की ये आदत है, और जो योगी होते हैं वो कहते हैं श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं। तो बरोबर जब उन्हें योगेश्वर का राज्य था तब मनुष्यों की आयु एवरेज 100-150 वर्ष, 125 वर्ष, और अभी इस समय में रोगी बन गए हैं, तो एवरेज आयु ऐसी बन गई है। ये भी तो हिसाब करना चाहिए ना, परंतु कहने मात्र, जानते कुछ भी नहीं है कि भला क्या वो कौन था, वो जमाना कौन सा था, ये भारत ऐसा कब बना, कैसे बना, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं। भला क्यों इनकी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि न कि? अरे भारतवासियों की ये बुद्ध रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें कैसा दिख जहर भर गया, तो बस ये हालत हो गई है। अभी बाबा वो जहर निकाल उसमें ज्ञान अमृत डालते रहते हैं, किसमें है बुद्धि रूपी बर्तन में, किनके बुद्धि रूपी बर्तन में है, किनके बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान अमृत डालते रहते हैं है? माउंट आबू में तो बोला, मुरली में, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे क्या? मना जो 64 तक है या 68 तक जो वाणी थी उसे ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस समय मनन चिंतन मंथन नहीं किया। तो देखो अभी भारतवासियों की जो ये हालत हो गई है कि बुद्धि में जहर भर गया है, अभी वो जहर बाहर निकाल उसमें ज्ञान अमृत डालते हैं, किनकी बुद्धि में डालते हैं? अरे हैं? अरे 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 जहर किसकी बुद्धि में भर गया? बेसिक वाली बुद्धि में जहर भर गया,
अरे ज्ञान अमृत डालते रहते हैं, मनन चिंतन मंथन जो किया जाता है उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत डालते रहते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं डालते रहते हैं। जो बुद्धि पत्थर का बन गई है उसको सोने का बनाए रहे। तो अभी तुम आए हो बरोबर मोस्ट बिलीवर्ड बनने के लिए, स्वीटेस्ट बनने के लिए, तो बाप को फॉलो करना चाहिए ना। तुम्हारी बहुत मनसा जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड वर्ल्ड इंडीड, थर्ड वर्ल्ड इंडीड, ये किसके लिए कहते हैं? ये महिमा सारी इनकी है। थॉट वर्ल्ड ये क्या होता है? हैं? अरे मनन चिंतन मंथन की दुनिया, वही थॉट वर्ल्ड है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सन्यासियों की महिमा होती है क्या? नहीं होती है, ये इनकी महिमा है। इनकी महिमा है थॉट वर्ल्ड जो बनाते हैं। थॉट वर्ल्ड माना थॉट माने विचार, मनन चिंतन मंथन के विचार। अच्छा, ओम शांति।